देखिए अब जो है एक और इंडिकेटर, मस्नोई इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज को हम लिए हैं। अब देखते हैं कि एसिड्स और बेस में मिथाइल ऑरेंज क्या तब्दीली लाता है। ठीक है जी, बस बस अब हम मिथाइल ऑरेंज लेंगे जी। मिथाइल ऑरेंज जी कैसा रंग हुआ? लाल। कैसा हुआ? लाल। देखो कितना लाल हुआ है जी। नेक्स्ट जी जी, इसका कलर भी कैसा हुआ? वेरी गुड। ये भी कैसा हुआ? लाल। एकदम डार्क लाल हुआ है ना? डाल बेटा अभी डाल। हेलो जी, देख सकते हैं आप ये, बस बस नजर आ रहा लाल जी, ये देख सकते हैं आपके लाल नजर आ रहा है। जी विनेगर, ओ जी लाल होगा। कैसा होगा जी? लाल। जी यानी लीमू, ऑरेंज, इमली, दही और सिरका, ये पांचों चीजों में जब हमने मिथाइल ऑरेंज को मिलाया तो वो लाल रंग जाहिर करता है। कैसा रंग जाहिर करता है? लाल। यानी एसिड्स में मिथाइल ऑरेंज लाल रंग जाहिर करता है। ओके लिखो बेटा। ओके अब हम चूने का पानी लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जी, अब देखते हैं कैसा कलर चेंज होता है। ओ कैसा हो गया? येलो जी। हेलो उसे जी, कैसा कलर में तब्दील हो गया? हल्दी की तरह नजर आ रहा है ना? हाँ। जी
पीछा ए पीछा तो हलाओ से थोड़ा जी। ये कैसा कलर होगा? ऐसे ही कैसा? येलो। या फिर उसे हम उर्दू में जर्द कहेंगे। क्या कहेंगे? जर्द, हल्दी की तरह। जी क्या लेंगे? एक डिटर्जेंट लिखा हुआ है हमने, असल में सर्फ एक्सेल लिया हमने उसमें। कोई भी डिटर्जेंट लें आप, वही असर दिखाएगा। जी ये भी येलो होगा। ठीक ये भी येलो, लेकिन डार्क येलो। जी बस ठीक है, रखो उसको। तो देखिए एसिड्स में अलग कलर दिखाता है और बेस में अलग कलर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी मसलो इंडिकेटर है। ये लाल कलर में तब्दील होता है जब एसिड्स में डाला जाता है, और येलो कलर में तब्दील होता है जब बेसिस में डाला जाता है। जी ओके लिखो। मिथाइल ऑरेंज तेजाब में कौन सा कलर बताता है? लाल। और असास में? पीला या जर्द। ठीक है, हम जर्द भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, वेरी गुड।